ये पहन लेना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये सब करने की जरूरत है, मगर जो सब तुम कर रहे हो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। कल रात के लिए आई एम सॉरी। शमशेर, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के खुशी नहीं मिलती। मैं तुम्हें दिखाने के लिए तकलीफ नहीं सहता, शायद मुझे तकलीफ होती नहीं है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसलिए ओवर टाइम लगाया था बस। देखो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस टाइप की जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। मुझे लगता नहीं है कि किसी ढंग के ऑफिस में इस नाम के साथ मुझे जॉब मिल जाए। तो फिर प्लीज तब तक ये मजदूरी टाइप नौकरी मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं करूं। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब सब सर 1500 रुपये हो गए। कभी की दिन बड़े कभी की रातें, बाप के नाम के बगैर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। शो करो ये मामूली सी नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना इसके भी काबिल नहीं हो तुम। 1500 रुपये हो। सॉरी, उठा लेना। और हाँ, 100 रुपये ज्यादा।
ट्रिप समझ कर रख लेना। जरूरत थी इतना कुछ सुनने की? मुंह पर मारते उसके पैसे। सर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। अब बंदा किस किस से लड़ेगा? सोचा कम से कम उम्र कैद, वरना सजाए मौत तो पक्की। बेटा तेरा मर चुका है और बीवी? तुम जेल की चक्की पीस पीस के बर्बाद हो जाओगे। नवाब साहब मौका दे रहे हैं, ले लो। मैंने अपने पुत्र की मैयत पे कसम खाई थी, अब किसी की जान नहीं लूंगा मैं। तुम बड़े नेकबाक और परहेजगार हो, ऐसी कसमें तो तुम हजारों खाते होगे और रोज तोड़ते होगे, लेकिन ये कसम तोड़ने से तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तेरी और तेरी बीबी की जिंदगी बच जाएगी। नवाब साहब का क्या है? वो तो किसी और को मौका दे देंगे। तुम्हें मिल रहा है, ले लो, और मुझे फौरन जवाब चाहिए। नवाब साहब से बात करते हैं, तुम्हारी जमानत करवाने। जैसे हुई थी तुमने मेरे घर में कदम रखा। मैं मामा को बच्चे बगैर नहीं छोड़ूंगा। मर गई तुम्हारी मां, मर गए तुम हमारे लिए। मैं दुनिया के सामने कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर से जाने के बाद, लेकिन मेरे खानदान का नाम है, मेरा नाम है, इज्जत है, वकार है। तुम जाओ उसी औरत के पास जिसकी वजह से तुम अपनी मां को छोड़ के गए थे रोता, यही तुम्हारे लिए बेहतर है।
ठीक है, तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा फिर। ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया जी। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा बाप कौन है? वो लड़का सुबह तुमसे ऐसे बदतमीजी कर रहा था, माजी क्या है तुम्हारा? सर मेरे काम पे क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क तो कोई नहीं पड़ता, ना मुझे तुम्हारे काम से कोई शिकायत है, मगर एक बात है मेरे दिल में बहुत अच्छे से। कौन सी बात? यही कि जो तुम नजर आते हो वो तुम नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे है, कैसे सह लेते हो सब कुछ? तुम्हें जो कोई काम दिया जाए वो कर लेते हो, ना किसी से कोई ताल्लुक ना कोई बात। सुबह तुमसे वो इतनी बदतमीजी करके गया और तुमने एक लफ्ज नहीं कहा, आखिर माजरा क्या है? सर कभी मोहब्बत की है आपने? नहीं। कीजिएगा भी नहीं? मेरी उम्र है मोहब्बत करने की, बस मुझसे यही गलती हो गई। मेरी उम्र थी और मैंने कर ली। फिर बस आपके सामने ही हूं। जुबान पे कई ताले लगे हैं और किसी की भी चाबी मेरे पास नहीं है। तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी है क्या? समझता तो मैं भी उन्हें बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन है नहीं। इसे मुझे काम है। क्यों खड़ी हो? वो मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ। तुम्हें अपने घर जाना है? नहीं, पापा की तरफ जाना है। तो मेरे साथ चलो ना, मैं घर ही जा रहा हूँ। नहीं इट्स ओके, टैक्सी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। दोनों को एक ही जगह जाना है और ये गाड़ी ताया बुक की है, कोई एहसान नहीं कर रहा मैं तो। प्लीज चलो। ठीक है।